चाइना का कलर दोस्तों। आइए देखें चाइनीज लोगों ने क्या सीक्रेट्स छुपा रखे हैं जो हमें भारत में पता भी नहीं। चाइना के लोग अपने बालों को ऐसे रंगते हैं। आइए इसे फाड़ दें। तो ये है इसका तरीका और जो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ चुका है। और ये है इसमें से सामान, इसको इसमें ऐड करेंगे। नो उल्टा, ठीक है चलो मास्क खोलो। सुनने की गलती मत करना, मैंने की थी इतनी पास। बस कर मत करो। आई नमस्ते दोस्तों, आप हमारी बातचीत से सब कुछ समझते जा रहे हैं, तो अब आइए देखते हैं इस कलर को कैसे बनाना है और फिर कैसे लगाना है। नंबर वन, नंबर टू, ये कलर है मेरा, ये कलर होने वाले मेरे बाल। ब्राउन, इट इज मिल्की ब्राउन। कितना वेस्ट किया है ना, मार्शमेलो ब्राउन। ठीक है ये हमने डाल दिया इसमें, और फिर इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, बस। पर इस पांच बार, पांच बार। अब ग्लव्स आप पहनोगे मम्मी? यही अप्लाई कर दूं? हाँ। कोई गिरने गिरने का डर नहीं कपड़ों कपड़ों में? वो लगाओगे क्या बोलते हैं आपके पास कोई शावर कैप है? हाँ है। वो दे देना, ये दे ताकि मेरे बाद में टॉप ना होगा। और ये है बाद में रिपेयर ट्रीटमेंट। ग्लव्स बड़े छीन के एक सेकंड में वो जो है ना स्लिप हो गए हाथ में, सेट हो गए। ये सब मत डालना प्लीज, भाजी ने हम तो डालेंगे अब तो करते ही है। लाओ दो बस अप्लाई कर दूं क्या? चले आपको सेक्शन ऑफ करने में एक बार। हाँ मैं कर लूंगी, वो मैं अपने आप कर लूंगी। लगा के ऐसे ऐसे करना है बस, ये फोम की तरह आएगा तो इसको ऐसे ऐसे करके लगा दो, बस ऐसे ऐसे करके लगाने भाभी मैंने। लिटरली मेरे सब यार ये क्लिप तेरा गंदा हो जाएगा। हाँ तभी तो ये घर वाला क्लिप है। दे दो कलर आ जाएगा इसमें। हाँ मेटल का क्लिप है, कोई बात नहीं, मोती कलर लो ना हो जाए। अच्छा रुको रुको दो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। दिखाओ हाथ दो अपना, हाथ में लेना है या एक बार दिखा देते ना आपको कैसा है। अच्छा अच्छा ओके, बस अब इस फोम को बाल में लगाओ ऐसे ऐसे करके, दैट्स इट। आप तो बहुत ही मेहनत से लगा रहे हो, मैं तो हाथ में लेके ऐसे नहीं, मैं एक बार अच्छी तरह लगा तभी मेरी हाइलाइट्स आ जाती हैं। यहां से दिखा भास्कर पीछे से, मैं ये कलर करना चाहती हूं भास्कर के। डार्क कलर ही नहीं है ना, सारे बाल कलर करने 100% बस अभी तक भास्कर हमारी वीडियो बना रहा था लेकिन उसको कहीं जाना था और अभी ये थोड़ा सा काम लंबा चलने वाला है तो वो चला गया है और मैंने कैमरा एंगल चेंज किया है तो आपके लिए और भी आसानी हो गई देखने के लिए, समझने के लिए कि किस तरीके से हमको जितने भी बाल हैं हल्के हैं ज़्यादा हैं उस हिसाब से उनको अलग अलग करते जाना है और इस हेयर कलर को लगाते जाना है। ये हेयर कलर हो या फिर हिना हो या कोई और तरीके का प्रोडक्ट जो हमको पूरे बालों में, जिसको कि कहते हैं ग्लोबल कलरिंग टेक्निकल लैंग्वेज में, तो उसका तरीका सेम रहता है। Thank you.
आजकल तो काफ़ी लोग इसी तरीके से कलर लगाना जान गए हैं। सलून में जाकर हम काफ़ी चीज़ें घर आकर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हेयर कलर को लगाते हुए सीखा था कि जितना अच्छी तरह बालों में हेयर कलर को हम मसाज करेंगे तो उतना अच्छा वो बालों में स्प्रेड हो जाता है और उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है। वैसे तो बालों को अलग अलग करके मैंने ये कलर अप्लाई किया, लेकिन फिर भी लास्ट में एक बार फिर से सारे बालों को लेकर फिर से इसकी हल्की सी मसाज की तरीके से हमें ये लगा देना चाहिए और फिर सारे बालों को बांधकर जो भी हमारे बाल जहाँ से शुरू हो रहे हैं स्कैल्प पर, वहाँ कॉर्नर्स में ज़रूर लेयर लगानी चाहिए। उस तरीके से हम किसी दूसरे को लगा रहे हैं तो कलर लगाएंगे जो कि बहुत आसान होता है, लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर हमें अपने बालों पर कलर लगाना हो तो किस तरीके से लगाएंगे। और मेरे जैसे बालों की लेंथ वाले तो मेरे जैसा 100% तरीका अपना ही सकते हैं। ये तरीका तो हो गया रूट्स के आसपास कलर लगाने का, और उसके बाद अब लेंथ पर जो मैं लगा रही हूँ तो उसमें आप सोचेंगे कि अगर बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो क्या करना है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उस समय बालों को आगे कर लेंगे अपनी बॉडी में और वहाँ पर लगा लेंगे, मतलब शोल्डर से होते हुए उनको हम आगे ले जाएंगे और उस पर वो कलर मसाज करते जाएंगे। लेंथ जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा हमको कलर लेना है, बस जो हम रूट्स में लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो भी हमने पार्टिंग निकाली है उसमें ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा बाल पर थोड़ा रूट की तरफ, उस तरीके से कलर अप्लाई करना है। हिना लगा रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से अप्लाई करनी है। आसपास कहीं ड्रिल की बहुत आवाज़ें आ रही हैं तो आई एम सॉरी। और अब कलर वॉश हो चुका है, अब इसका बेहतर रिज़ल्ट क्या रहा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रंट हाँ आया तो है कलर, यस अच्छा है, नाइस नाइस ठीक है। कुछ दिख नहीं रहा, मतलब जितना है वो उतना दिख रहा है, जो भी आगे पीछे से आगे हाँ। से दिखाऊं बोलना मैंने दिखा दो। और ये कलर ग्रे हेयर पर काम नहीं करेगा, तो जो मेरे यहाँ से ग्रे हेयर आ रहे हैं उस पर इसने उतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हाँ यहाँ पर पीछे तो इसमें कलर आ गया है। इस तरीके से आप खुद भी घर में अप्लाई कीजिए कलर, और पैसे और समय दोनों बचाइए क्योंकि पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा। और शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।